नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप पर, जो कि आपको नई नई जानकारी देता है और जिसको दिखाने वाले हैं आपके अपने द टर्बन ट्रैवलर। तो आज कल की ही तरह आज आपको हम एक और चीज़ के बारे में बताएंगे जो पुलिस से संबंधित है, वो ये कि अगर खुदा ना खास्ता आपसे गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये प्रोग्राम, हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जाके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो सूरत में आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पर हाईवे असिस्टेंट पुलिस का असिस्टेंस का नंबर लिखा होता है, तो वो आप नोट करें। अगर नहीं लिखा है तो गूगल करके आप वहां से नंबर पता कर लें। तो वो आपके पास हैंडी होना चाहिए जब भी आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो, ताकि ऐसी नौबत आने पर सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। और दूसरा वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है जो कि आपको हैंडी रखना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस के कागज, उसके ऊपर आपको हाईलाइट करना चाहिए कि वो एजेंट कौन सा है जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो जिसको आपको इन्फॉर्म करके बुलाना हो। तो पुलिस का नंबर और इंश्योरेंस एजेंट का नंबर, ये दोनों आपके पास बिल्कुल हैंडी होने चाहिए। जब भी कभी एक्सीडेंट हो तो आप वहां से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप वहां से भाग ही नहीं सकते। आप एक विदेशी मुल्क में हैं और आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे, तो इसलिए वहां से आप भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात, जिस वक्त पुलिस आ जाती है, इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, और अगर कोई घायल है एम्बुलेंस आके उनको अस्पताल ले जाती है, वो अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे और आपको जो कागज़ देंगे उनसे कागज़ लेके और उनसे पूछने के बाद ही आप मौके से आगे कहीं की तरफ जाएं। और अगर आपको भी चोट लगी है तो आपको अस्पताल लेके जाएंगे, आपके साथ जो लोग हैं वो उनसे कागज़ ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि वहाँ से भागने की कोशिश करें, और धैर्य और संयम से काम लें, और जब तक ये कार्रवाई पूरी ना हो तब तक आप मौके से आगे जाने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने की कोई वजह ऐसी नहीं होती है। कभी कभी बिना किसी वजह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कभी आपकी अपनी या दूसरे की किसी गलती की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट नाम ही उस चीज़ का है जो कि एक्सीडेंटली हो जाए, जिसमें किसी की मंशा किसी एक दूसरे को मारने की नहीं होती है, पर वो एक्सीडेंट है, किसी से भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो सबसे पहले आप देखें अपने आसपास के जो और आपके साथ पैसेंजर हैं, उसमें किसी को चोट तो नहीं लगी है, आपको चोट तो नहीं आई है, और फिर जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है उसमें किसी को चोट तो नहीं लगी है, और अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट किसी हाईवे पे हुआ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको गाड़ी से नहीं उतरना है, और गाड़ी में बैठे बैठे ही आप ये देखने की कोशिश करें कि वहाँ किसी को चोट तो नहीं लगी है। और अगर किसी को चोट लगी है तो जिस वक्त आप फ़ोन करते हैं पुलिस को बुलाने के लिए, तो उनको बताएं कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी में या दूसरे की गाड़ी में इन लोगों को चोट लगी है, ताकि वो फौरन एमरजेंसी में एम्बुलेंस भी आपको भेज सकें। और वहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही जल्दी पुलिस पहुँच जाती है मौके पर, और एम्बुलेंस भी आ जाती हैं फौरन वहाँ पर, ताकि आपको फौरन जिस चीज़ की ज़रूरत है हॉस्पिटल ले जाने की या और जो भी काम है वो आपके वहाँ पर पूरे किए जा सकें। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक्सीडेंट होता है तो जोश में आके बाहर निकल के गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। वहाँ के लोग भी, कई लोग ऐसे पागल हैं जो गाड़ी अगर आपने उनकी ठोक दी तो वो आके आपसे गाली गलौज करने की या बाहर निकल के बहस करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी इन चक्रों में मत पड़ें, गाड़ी से बाहर ना उतरें, ना ही उनसे गाली गलौज करने की कोशिश करें, भले ही गलती उनकी हो और आपकी गलती ना भी हो तो भी। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। और दूसरी एक गलती हम अक्सर और कर बैठते हैं भावुकता में आके या इंसानियत के नाते, कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं उस जो घायल व्यक्ति को उठाने की। अपने तरफ से तो हम अच्छी कोशिश करते हैं, पर ये कोशिश आपको बाहर नहीं करनी है, उल्टा आप पर भी केस हो सकता है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट के केसेस में गर्दन पे चोट लगती है, और किसी व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को उठाते वक्त अगर उसकी गर्दन इधर उधर हो गई और टूट गई तो आप पे बहुत बड़ा उसके ऊपर क्लेम वो कर सकते हैं और आप पे केस कर सकते हैं। तो ऐसी कोशिश बिल्कुल मत करें किसी भी घायल व्यक्ति को उठाने की, बजाय उसके आप फौरन पुलिस को फ़ोन करें, एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करें, ताकि वो आके जिस तरीके से उनको उठाना चाहिए उस घायल व्यक्ति को उठाएं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आप गाड़ी धीरे चलाएं और नियमों के अनुसार चलाएं, लेकिन जब एक्सीडेंट होना होता है तो उस वक्त किसी का भी बस नहीं होता और वो एक्सीडेंट हो जाता है। और ईश्वर से आप ये दुआ करें कि ऐसी नौबत ना आए। अब जिस वक्त पुलिस आ जाती है और जब तक पुलिस नहीं आती है और आपका छोटा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि लोग घायल हुए हैं, तो और आप हाईवे पे नहीं हैं और साइड पे खड़े हुए हैं, तो उस सूरत में जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, सॉरी फील कर सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस के कागज़ उससे शेयर कर सकते हैं और उसकी इंश्योरेंस के कागज़ आप शेयर कर सकते हैं। और आसपास जो लोग खड़े हुए हैं गवाह के तौर पर, आप उनका भी फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं और नाम नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। और उसके बाद जब पुलिस आ जाती है, जब आपने पुलिस को फ़ोन कर दिया, तो साथ में ही आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को भी फ़ोन करें और उससे भी बात करें, तो जैसा वो आपको बताए आपने वो करना है। और साथ में सेफ्टी के लिए मैंने तो ऐसा किया था, जब दो दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने जहाँ पर मेरी गाड़ी पर चोट लगी तो मैंने उसकी फ़ोटो ले ली थी, उनकी गाड़ी की फ़ोटो ले ली थी, उस व्यक्ति की फ़ोटो ले ली थी, उसकी गाड़ी के इंश्योरेंस और RC की फ़ोटो ले ली थी, और जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे उनकी फ़ोटो ले ली थी और उनसे उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस पूछ लिया था। लेकिन जब आप किसी की फ़ोटो खींचे तो उनसे पूछ के खींचें, अदरवाइज़ वो वहाँ पर इसको रूट समझते हैं और आप पे उल्टा कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेसी का हनन है। तो ये आप बिल्कुल ना करें, उनसे फ़ोटो पूछ के ही खींचें। तो ये सारी बातों का आप ख्याल रखें और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और सबसे और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो हो गया सो वो हो गया, कानूनी कार्रवाई है वो कानून के हिसाब से होगी, गलती किसकी थी किसकी नहीं थी। मेन चीज़ ये होती है कि किसी को चोट ना लगे, अगर चोट लग जाती है तो उसको पूरी चिकित्सा उस वक्त इमीडिएटली मिलनी चाहिए ताकि जान लोगों की बच सके। तो ये था आज के एपिसोड में, उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर ऐसी मिली होगी जो आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी और बहुत सारी लाभदायक जानकारियों के लिए आप यूं ही बने रहें और देखते रहें हमारा ये प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए सब्जेक्ट को लेकर, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। नमस्कार और धन्यवाद।